प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एससीओ सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी पर भारत का जोर है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पीएम मोदी ने एक नया मंत्र भी दिया जिसे उन्होंने सिक्योर नाम दिया है और कहा है कि सुरक्षा के लिए 6 कदम उठाने जरूरी हैं। साथ ही उन्होंने आतंकवाद से पीड़ित अफगानिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रपति गनी ने शांति की तरफ जो कदम उठाए हैं उनका क्षेत्र में सभी को सम्मान करना चाहिए। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है। समग्र रूप से हमारे क्षेत्र को सिक्योर करने के लिए मेरे विचार से 6 महत्वपूर्ण आयाम है। इनका संक्षिप्त रूप अंग्रेजी का शब्द सिक्योर यानी SECURE होता है। एस से मेरा मतलब है सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स, ई से मेरा मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सी से कनेक्टिंग द रीजन, यू से यूनाइटेड आवर पीपल, आर से रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ई से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। मैं मानता हूं कि इन दिशाओं में सार्थक सहयोग से ही हमारा एससीओ सही मायनों में सेफ एंड कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन बन सकेगा। भारत अपने विदेशी संबंधों में भी विकास के लिए सहयोग को प्राथमिकता देता रहा है। स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सहयोग पर हमारा विशेष फोकस है। अतः एससीओ देशों खासकर मध्य एशिया के देशों के साथ द्विपक्षीय तथा एससीओ फ्रेमवर्क में इन क्षेत्रों में सहयोग करने में हमें बेहद खुशी होगी।